नमस्कार, घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सूजी के पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप एक गिलास में 100 से ज़्यादा पापड़ बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कुरकुरी। तो आप मेरे वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर लें। तो इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और बर्तन में हम एक गिलास सूजी ऐड करेंगे। अगर महीन वाला सूजी है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप इसे मिक्सर में एक ग्राइंड कर लीजिएगा। अब मैं इसी गिलास से 10 गिलास पानी ऐड करूँगी। फिर उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, मंगरैला, अजवाइन ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, और साथ में ही हम थोड़ा सा इसमें चुटकी भर मीठा सोडा ऐड करेंगे, और उसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे गैस पर हाई फ्लेम में कुक करने के लिए रख देंगे। इसे हम जेंटली चलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे से ये लगे ना, और समय समय पर इसे हम चेक करते भी रहेंगे। पापड़ के लिए एक धूप काफ़ी है, और पापड़ को हम एक ही धूप में सुखाना चाहिए, मतलब एक दिन में ही वो अच्छी तरह से सूख जाए। इससे हमारी पापड़ बहुत ही खिला और कुरकुरा बनता है। 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। इसे हम चलाते ही रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। ये पापड़ बहुत ही सॉफ्ट बनता है, यकीन नहीं होता तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा मेरे मेथड से। ये बहुत ही आसान से भी बन जाता है। जब बैटर थोड़ा ठीक हो जाए तब हम इसे चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए एक प्लेट लेंगे। प्लेट पर इसे फैलाएंगे। जब ये पूरी तरह से नहीं फैलेगा तो हमारी पापड़ रेडी है। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, और उसे मिक्स करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे और इसे एक प्लास्टिक शीट पर फैलाते हुए पसार लेंगे। बचे हुए को क्यों वेस्ट करना, उसे हाथ से अच्छी तरह से निकाल कर उसे भी हम प्लास्टिक शीट पर फैला देंगे, और इसे एक धूप के लिए हम सूखने देंगे सन ड्राई में।
अब मैं आपको तल कर दिखाती हूँ कि ये कितना कुरकुरा और खिला हुआ बना है। देखिए ये कितना कुरकुरा और खिला हुआ है। अगर आपको मेरी पापड़ वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना ना भूले, और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kanojakhushbu122। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड नमस्कार।